साथ इनके अंदर बहुत कन्विंसिंग पावर है। फोन पे बात की, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ टेलीफोन पर बात करके, और वो भी पेंटिंग एग्जीबिशन, और वो भी संगीता जी कर रही है इतने मेहनत से, जो स्पेन में थी अब हिंदुस्तान में है, बहुत बढ़िया से। पता नहीं मुझे कैसे इनका कन्विक्शन या इनका जादू चला कि आज राजनीति की दुनिया या पार्लियामेंट जो चल रहा है या बिल्कुल नहीं चल रहा है, उस दौर में छोड़ कर मैं कला की दुनिया में, चित्रकारी की दुनिया में चला आया। इसके लिए मैं एक तरफ जहाँ जहांगीर आर्ट गैलरी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जहांगीर आर्ट गैलरी को सलाम करता हूँ, वहीं दूसरी तरफ संगीता जी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। गुड़ोस और जितनी सिंपलिसिटी के साथ जो मैं समझ पा रहा हूँ, जितनी कम से कम रंगों को बिखेरे हुए जिस तरह से उन्होंने पेश किया है, प्रस्तुत किया है, कि मैं समझता हूँ आप लोग और हम लोग क्या कोई आम आदमी भी इसको अच्छे से समझ जाए, ये इस इन पेंटिंग की खूबी देख रहा है। ये सो कॉल्ड बॉलीवुड, सो कॉल्ड हम इसे फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की तमाम चीज़ों को इतने बेहतर खूबसूरत तरीके से पेश किया। ड्रीम्स अनलिमिटेड, ये स्वप्न सुंदरी की तरह इस सपनों की दुनिया में लेके गई है उस इंडस्ट्री से जहाँ हम लोग का इतना लगाव रहा है, जहाँ से हम लोग बड़े हुए, बन के आगे बढ़े। और ये इनकी खासियत भी है और इस पेंटिंग की भी यही खासियत है कि फिर से आपको सपनों की दुनिया में ले जा रहा है, लड़की सपना देख रही है, ड्रीम देख रही है, और ये संगीत ने पेश किया। मैं समझता हूँ बहरहाल मेरे लिए बहुत नया, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, मैं जहांगीर आर्ट गैलरी में, और पहली बार मैं चीफ गेस्ट बनकर आ रहा हूँ। It's really an honor that Shatruji is here. It's really a big thing. It's kind of a dream that I had. I approached him the last time also, but I think I couldn't connect with him. And God heard my prayer that he's here and he agreed without a minute. But now I know you, I know you through your art also, I know you through your paintings also. सिन्हा सर, आपकी जो सहयोगी साथी है ज्योतिबा फुले सांसद हो या आदित्यराज हो, उनका ये कहना है कि दलित समुदाय खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस समय, और जिस प्रकार से ये जो घटनाएं देश में हो रही, क्या कहेंगे आप? क्या आपको ये उचित लगेगा कि ये चित्रकारी की इस कला, चित्रकला के समय सर, आपकी पेंटिंग्स में आपकी खुद की कितनी रुचि है? मैं तो इम्तिहान में जब मैं कुछ चित्र बनाता था तो मैं तो ग्लास का भी नहीं बना पाता था, मैं तो साइंस में था, और वहाँ क्या यूटेंसिल क्या बोलते थे भूल भी गया, उसमें फ्लास वगैरह बनाना होता था, हमारे सब टीचर्स कहते थे कि उसके बावजूद मैं फ्लास भी गलत बनाता था, मीकर वगैरह गलत बनाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी कदर नहीं करता हूँ, मैं तो सब कलाकार हूँ। और कोई आपने पेंटिंग बनाई फिर इस बारे में? नहीं, मेरे घर में से घर में मेरी बेटी सोनाक्षी बहुत अच्छा बनाती है। पर संगीता जी के कांटेक्ट में आने के बाद आपको लगता है कि आप कुछ सीखेंगे? मैं तो आज अपनी बहू को बुला रहा था, बेटी बहू को मैंने कहा था उन लोगों को, लेकिन चूंकि हमारे फ्लाइट की टाइमिंग ऐसी हो रही थी, मेरी वाइफ भी आने वाली थी यहाँ पर, मेरी बेटी भी शायद आती, मैंने कहा अच्छा कर देख क्या, वो उसको पेंटिंग बहुत शौक है, बहुत अच्छा बनाती है, इनकी तरह नहीं है तो बहुत अच्छी है। और आपको मैं यही कहना चाहूँगा, जिस समय आर्ट एंड कल्चर का मामला है, पेंटिंग का मामला है, जहांगीर आर्ट गैलरी का मामला है, यहाँ पर कोई राजनीति की बात करके वातावरण को दूषित ना करें तो ज्यादा अच्छा। लेकिन सर, आप पेंटिंग देखने आए हैं, लेकिन देश का चित्र इस समय खराब हो रहा है, उसके बारे में कुछ तो आपसे टिप्पणी चाहेंगे? कर ही रहा हूँ, खराब नहीं कर रहा हूँ। नहीं, देश का चित्र खराब हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? शादी की घड़ी में बर्बादी की बात नहीं करते, बर्बादी की घड़ी में आबादी की बात करते। अभी तो ये पेंटिंग का और कला का और कलाकारी का और चित्रकारी का मौका है, खूबसूरत मौका, आइए हम सब इंजॉय करें। इनको संगीता जी को बहुत सर, आपने अभी जितनी भी पेंटिंग देखी उसमें से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी? कहाँ पे अभी आपने जितनी भी देखी? और स्कूल में बच्चों की देखी, प्ले वाली देखी, वो भी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। ये भी जो ड्रीम वर्ल्ड और ड्रीम सारी पेंटिंग की सिंपलिसिटी जो है, और बहुत बढ़िया तरीके से सिंपलिसिटी से पेश किया है, तो समझने में ज़्यादा नहीं ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा, बल्कि बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू सर।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभिषेक 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 थैंक यू। थैंक यू। अपने घूम पकड़ देंगे, सबसे बंद देंगे हम।